Hey guys, this is me, Hassan, and you are watching my channel Tech for Hassan. MS Excel की 8वीं क्लास में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। चलें जी MS Excel को ओपन करते हैं। ये इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों हम फार्मूला के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम आते हैं डाटा पे। डाटा में जैसे ही हम आए दोस्तों हमारे पास ये डाटा क्लिक किया। इसके जो शुरू के ऑप्शन है दोस्तों ये वाले फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये दोनों से भी हैं दोस्तों कनेक्शन वगैरह के। ये हम एक्सटर्नल डाटा को इसके अंदर, इस शीट के अंदर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे जाना है, फार्मूला तक पहुँचना है दोस्तों। हाँ, इसमें हम करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग दोस्तों ये होता है, मैं आपको जैसे ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, मैं इसे कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ए अल्फ़ाबेट की तरतीब होती है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसी तरह ये ए टू जेड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बना देगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देख सकते हैं दोस्तों सबसे ऊपर ए आ गया, उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, एफ आ गया। इसी तरह दोस्तों ये तरतीब वाइज चल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी में ये जेड टू ए से करना तो मैं जेड टू ए कर दूंगा, सबसे लास्ट से शुरू तक आ जाएगा, यानी जेड के बाद वाई, वाई के बाद इस तरह एक्स, ऐसे उल्टा शुरू हो जाएगा अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों जेड आर जी आई, ये इस तरह हम सॉर्टिंग इस्तेमाल करते हैं। सॉर्टिंग में दोस्तों हम, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रीजन पे क्लिक किया, रीजन में कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं आ गया सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग में मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है सेल्समैन नेम पे आप क्लिक करना चाहते हो, सेल्समैन आईडी पे। मैं कहता हूँ सेल्समैन के आईडी पे भी नहीं दोस्तों, मैं रीजन पे आ जाता हूँ। रीजन पे मैं क्लिक करता हूँ, रीजन में क्लिक करने के बाद मैं जेड टू ए करता हूँ या ए टू जेड, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं ए टू जेड कर देता हूँ। ए टू जेड जैसे मैं करूँगा और ओके करूँगा तो ये आपके सामने आ गया है। मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उसमें से ये बी और जी, ठीक है दोस्तों, इस तरह आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं फिल्टर पे। दोस्तों ये फिल्टर का ऑप्शन है जो एमएस एक्सेल में मैं इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम अपना जितना भी आपका डाटा बहुत बड़ा हो, यानी कि ये कोई 1000 पेज पे या कोई 5, 15, 20 पेज पे आपका डाटा हो, तो आप उसमें से कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर की मदद से आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ये फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक छोटा सा, मैं इसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर, ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे आता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे आके क्लिक करता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्समैन आईडी के साथ ऊपर वाले जो मैंने इसकी हेडिंग वगैरह दी हुई थी, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो गई है दोस्तों। मैं अगर इसके ऊपर फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, ये लगे हुए हैं, मैं ये देख सकते हैं दोस्तों एरो आपको छोटे से नज़र आ रहे होंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर फिल्टर, सॉर्ट बाई कलर, आप कलर सॉर्ट करना चाहते हैं, हम नंबर फिल्टर पे आते हैं क्योंकि इसमें हमने नंबर दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे हम इक्वल जानना चाहते हैं, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, इक्वल बिटवीन, दोस्तों आप जो चाहते हैं, टॉप 10 चाहते हैं वो आपको ये बता देगा। मैं यहाँ पे दोस्तों करता हूँ इक्वल, इक्वल मुझे चाहिए दोस्तों 2006। करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा दोस्तों ये मुझे उस पूरे ग्राफ में से या डाटा में से जो जितना भी डाटा आपने दिया होगा वो मुझे शो करवा देगा उसमें से जो मैंने सर्च किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी को वो हाइड कर देगा, छुपा देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं यहाँ से, हम कुछ कर लेते हैं सेल्समैन नेम के। यहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे था टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे है टेक्स्ट फिल्टर और यहाँ पे था दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कर्सर को लॉक करता हूँ, यहाँ पे आपको नंबर फिल्टर नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आया सेल्समैन पे, यहाँ पे क्या है,
टेक्स्ट फिल्टर, मैं टेक्स्ट फिल्टर पे आता हूँ दोस्तों। टेक्स्ट फिल्टर में क्लिक करता हूँ, मैं इक्वल पे जाता हूँ, आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं इक्वल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ढूंढना चाहता हूँ, यानी कि कोई एसन नाम का मैं सेलमैन ढूंढता हूँ। एसन करने के बाद दोस्तों मैं ओके करता हूँ, जिसने उसने मुझे एसन का डेटा सारा शो करवा दिया। इसमें रीजन उसका क्या है, सेलमैन क्या है, इसने क्या क्या सेल किया, कितना टोटल इसने सेलिंग की है 2008 में, ये सारा उसने बायोडाटा मुझे इसका निकाल के दे दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ इसका रीजन चेक करना, जैसे मैं रीजन पे आके क्लिक करता हूँ, रीजन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर है। टेक्स्ट फिल्टर में आने के बाद मैं इक्वल पे आता हूँ, इक्वल में आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बल्दिया लिख देता हूँ दोस्तों। मैं जिन यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ बल्दिया, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास बल्दिया के जितने सेलमैन आईडी थे, सेलमैन थे वो हमारे पास शो हो गए हैं। चार आईडी, चार बंदे थे जी हमारे पास बल्दिया पे लगे हुए, ये आगे उनकी टोटल सेलिंग वगैरह हमें ये शो करवा रहा है, ये इनकी आईडी वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह फिल्टर की मदद से कोई भी चीज़ आसानी से आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अगर ये, हाँ ये फिल्टर लगे हुए हैं, अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से किसी भी ऊपर भी हेडिंग पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे, फिल्टर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों रिमूव डुप्लीकेटर। दोस्तों इस एरिया मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव डुप्लीकेटर पर क्लिक किया, रिमूव डुप्लीकेटर क्लिक करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये हमें बता रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू फोन, यानी कि कोई दूसरी वैल्यू एक नाम से दूसरी जगह पे सेव नहीं है। जैसे ये इरफान लिखा हुआ है, और इसके मैं इसे सही कर देता हूँ दोस्तों, ये है इरफान। ठीक है, ये दोस्तों अगर जैन है, जैन किसी और जगह पे तो नहीं है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अगर होगी तो वो उसे डिलीट कर देगा दोस्तों। इसके बाद है डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में मुख्य ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डाटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। दोस्तों ये ऑप्शन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसे यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक फॉर हसन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।